स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर में शौचालय बनाने को लेकर केंद्र सरकार ने संकल्प लिया था, लेकिन उसके बावजूद देश में ऐसे कई गांव हैं जहां आज तक शौचालय नहीं बना। ऐसा ही एक उदाहरण उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के छतवा गांव का है, जहां कई घरों में शौचालय नहीं है और वो खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। अपनी इसी पीड़ा को गांव के 80 साल के भगवान दास ने हमारे साथ साझा किया। भगवान दास कहते हैं कि उन्हें अपने घर से काफी दूर गंगा नदी के पास खुले में शौच करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि आज तक उनके घर में शौचालय नहीं बना है। शौचालय बनाने को लेकर वो कई बार अधिकारियों और नेताओं के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन किसी ने भी शौचालय बनाने को लेकर उनकी किसी भी तरह की मदद नहीं की। ये आप डिब्बा लेके बाहर बिना मास्क लगाए कहाँ घूम रहे हैं? अच्छा, शौच करने गए थे? क्यों, शौचालय नहीं मिला है क्या? नहीं साहब, शौचालय नहीं मिला। शौचालय आपने कहा था गांव के प्रधान से? अरे सब देखे ना, फोटो तो लगे हैं, नहीं देखा करिए। वहीं इसी गांव की महिला प्रेरणा को शौचालय बनाने के लिए सरकारी मदद तो मिली है, बावजूद इसके वो उससे संतुष्ट नहीं है। प्रेरणा कहती है कि उन्हें शौचालय बनाने के लिए सरकारी मदद मिली वो नाकाफी है, क्योंकि उस मदद से ना ही उनके शौचालय की छत डल सकी और ना ही दरवाजा। वो अपनी इस तकलीफ को तमाम अधिकारियों और नेताओं को अवगत करा चुकी है, उसके बावजूद उनका शौचालय का कार्य आज भी अधूरा है, इसलिए वो खुले में शौच करने के लिए मजबूर है। जब इतना परेशान है सब जोन बाटे, लड़का बच्चा सब भीजत हैं, सब गिर पर गया बाटे घर द्वार, तो कैसे करी बताओ? गुस्से में न रही तो का करी? कोई आपको प्रधान बनत है न को तो कुछ न कुछ, जब हमें नहीं कोनो योजना मिलत आटे तो का करी? गुस्सा न करो तो का करे? आपने किसी अधिकारी से बात की कि नहीं? कौन अधिकारी से, हम गरीब मन का कोनो जानकारी नहीं तो कैसे बात करी? कहीं वहाँ प्रधान लगे जा, हाँ उनके लगे जा, उनके लगे जा, जाबे तो क्यों सुनने वाले नहीं है तो कैसे का करे? पानी के लिए छतवा गांव के लोग गंगा नदी पर निर्भर हैं। अगर ग्रामीण नदी के पास शौच करते हैं तो इससे वो ही नहीं बीमार होंगे बल्कि कई और लोगों को भी बीमार कर सकते हैं। ऐसे में सरकारों को इनकी बात सुननी चाहिए और उनकी मदद करने के लिए आगे आना चाहिए।